विदिशा में थाना गुलाबगंज एवं थाना त्योदा पुलिस द्वारा चोरी किए गए ट्रैक्टर को मात्र 4 घंटे में किया गया बरामद, आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। घटना के बारे में गुलाबगंज थाना प्रभारी काशीराम कुशवाहा ने बताया कि यशवंत सिंह कुशवाहा निवासी रतन खेड़े द्वारा 5 अक्टूबर की रात डायल 100 पर सोनालिका कंपनी का 750 DI 55 HP ट्रैक्टर चोरी होने की सूचना दी गई थी, जिसको संज्ञान में लेकर पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से आसपास के थाना क्षेत्रों में सूचना देकर घेराबंदी की गई, जिसके आधार पर त्योदा थाना क्षेत्र में आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर को बरामद कर लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर आशीष सहले की रिपोर्ट, बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। ट्रैक्टर चोरी वाला क्या मामला है? ये जसवंत कुशवाहा है रतनखेड़ी के, इनका रात के 12 बजे ट्रैक्टर चोरी हो गया था, जिसकी सूचना हमने डायल कर प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के बाद कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी थाना को मैसेज करा गया और घेराबंदी की गई है। घेराबंदी के आधार पर त्योदा क्षेत्र में ये ट्रैक्टर पकड़ा गया है। ये यहाँ से दारू के नशे में थे ये लोग, तो इनको चोरी करने की सूझी, तो इन्हें ट्रैक्टर उठा के ले गए और त्योदा थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया।